नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। महालक्ष्मी 2018, इस मंत्र के जाप से होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत करने का विधान है। शास्त्रों में महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इस दिन माँ के गज लक्ष्मी स्वरूप की आराधना करने का विधान है। कैसे करें महालक्ष्मी पूजन? प्रातःकाल स्नान से पहले हरि धूप को अपने पूरे शरीर पर घिसें। स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। पूरा दिन व्रत रखकर संध्या के समय लकड़ी की चौकी पर श्वेत रेशमी कपड़ा बिछाएं। इसके बाद देवी लक्ष्मी के गज लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। इसके बाद एक कलश पर अखंड ज्योति स्थापित करें तथा यंत्र को पंचामृत से स्नान कराकर 16 प्रकार से पूजन करें। मेवा, मिठाई, सफेद दूध की बर्फी का भोग लगाएं। पूजन सामग्री में चंदन, ताल, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल रखें। नए पीले सूत्र के 16-16 की संख्या में 16 बार सागड़े रखें। पीले कलावे में 16 गांठें लगाकर लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इसके बाद महालक्ष्मी पर 16 सिंगार चढ़ाएं, मीठी रोटी का भोग लगाएं। पूजन के समय ध्यान रखें कि देवी का मुख उत्तर दिशा में हो। वह सभी व्रती पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजन करें। चंद्रमा के निकलने पर तारों को अर्घ दें व उत्तर मुखी होकर पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर देवी महालक्ष्मी को दीपावली पर अपने घर आने के लिए 3 बार आग्रह करें। इसके बाद देवी पर चढ़ाई 16 वस्तुएं चुनरी, सिंदूर, लिपस्टिक, रिबन, कंघी, शीशा, बिछिया, नाक की नथ, फल, मिठाई, मेवा, लौंग, इलायची, वस्त्र, रुमाल, श्रीफल इत्यादि विप्र पत्नी अर्थात ब्राह्मणी को दान करें। पूजन पश्चात 16 गांठें लगाए हुए पीला कलावा घर का हर सदस्य ब्राह्मणी द्वारा अपनी कलाई पर बंधवाए। मंत्र: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गजलक्ष्मये नमः। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। इस वर्ष 16 सितंबर 2018 को रविवार के दिन मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत किया जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा का विधान होता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत अपना विशेष महत्व रखता है। सप्तमी व्रत विधि: सप्तमी का व्रत माँ द्वारा अपनी संतान के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने वाली माता को प्रातःकाल में स्नान और नित्य कर्म क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल में श्री विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निराहार व्रत कर दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से फिर से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूड़ी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है तथा बाद में स्वयं इसे धारण कर इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। संतान सप्तमी कब मनाई जाती है और मुहूर्त क्या है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहा जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों के सम्मान में व्रत रखा जाता है तथा 7 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन पुत्र प्राप्ति, संतान सुख के लिए भी व्रत किया जाता है। वर्ष 2018 में संतान सप्तमी तिथि, समय, शुभ मुहूर्त एवं पूजा समय की जानकारी यहां दी जा रही है। संतान सप्तमी पूजा मुहूर्त दिनांक 16 सितंबर 2018
दिन रविवार, समय 10:23 से 12:49, यानी 2 घंटा 26 मिनट। दुबड़ी सातें एवं संतान सप्तमी व्रत विधि। संतान सप्तमी एक त्योहार न होकर एक व्रत है। यह भादों शुक्ल सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन दुबड़ी माता की पूजा की जानी चाहिए। सुबह उठने के पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद व्रत रखने वाली स्त्री को एक पट्टे पर दुबड़ी, जिनमें कुछ बच्चों की मूर्तियां, सांप, मटके तथा एक औरत का चित्र मिट्टी से तैयार कर ले में। दुबड़ी माता को चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर भोज बनावें तथा उनको भोग लगावें। साथ ही भिगोया हुआ बाजरा भी चढ़ावें। मोठ तथा बाजरे के धान का वायना निकालकर सास के पाए लगकर उनको देवें। इसके पश्चात व्रत रखने वाली महिला दुबड़ी सात की कथा सुने। इस व्रत को तोड़ते समय ठंडा खाना खाना चाहिए। यदि इस वर्ष आपकी किसी बेटी का विवाह संपन्न हुआ हो तो उनका उजमन भी करावें। इस उजमन में मोठ बाजरे की 13 कुड़ी एक थाल में लेकर 1 रुपए का सिक्का साड़ी अथवा ओढ़नी के पल्लू पर हाथ फेरकर अपनी सास के पांव लगकर उनको देवें। संतान सप्तमी व्रत पूजन। व्रत की कथा सुनने के बाद सायंकाल में भगवान शिव पार्वती की पूजा धूप, दीप, फल, फूल और सुगंध से करते हुए नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और भगवान शिव तथा पार्वती की पूजा आराधना की जानी चाहिए। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।